जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज शिवम पांडे। और गाइस, आज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एनडीए। एनडीए में बेसिकली 2018 एनडीए सेकंड से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हम उनमें ट्रेंड देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी ने किन किन टॉपिक्स से पुट अप किए हैं और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो टॉपिक्स कितने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज इसी बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज, इससे पहले कि हम टॉपिक्स पे आएँ, बेसिकली मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि सर हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, हम उसको डील कैसे करें। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। हमारी स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है, हम उसको नंबर्स में देखते हैं। सर 1905 डेट, 1857 डेट, हमसे डेट याद ही नहीं हो पाती, सर हम कैसे याद करें। आप कुछ एक लैंडमार्क डेट्स होती हैं, आप उनको याद कर लो, उन बेसिस पे पूरी क्रोनोलॉजी आपकी सेट हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड डाउट ये रहता है कि सर हम पढ़े कहाँ से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सर बुक कहाँ पे लें। हम स्टूडेंट्स के पास सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है बुक्स का, तो बोलते हैं सर हमारे पास सोर्स बहुत ज़्यादा है, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए फर्स्ट थिंग, जो कि यूपीएससी भी प्रेफर करती है। और हर यूपीएससी एस्पिरेंट, डिफेंस एस्पिरेंट को, आप लोगों को ये चीज़ प्रेफर करना चाहिए, दैट इज़ दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको कवर करना चाहिए। बेसिकली एनसीईआरटी को ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है ना, यूपीएससी के लिए। तो आप इसको भी कवर करके चल सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस हो, तो हम आगे देखते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। बेसिकली आज यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी उन टॉपिक्स को रिपीटली क्या करते हैं, रिपीट करती रहती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, चलिए लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने कुछ ग्राफ की। देखो हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस दो थे। एनडीए सेकंड जो 2018 में हुआ था, इसमें कितने क्वेश्चंस पुट अप किए, 12% पेपर था आपका, ठीक है ना। 12% जो क्वेश्चंस थे वो आपके हिस्ट्री के पूछे गए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं एनडीए फर्स्ट 2019 में, यहाँ पे 12% है, यानी 12% है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े इंक्रीज हुए हैं, वो कितने हैं, 17% हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 17%। फिर उसके बाद एनडीए सेकंड 2019 से 16% पेपर का जो होता है उसका ये 16% कवर किया गया था, ठीक है ना। सिर्फ हिस्ट्री में मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग ने अपना जो डिस्कशन है वो हिस्ट्री पे ही रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, एनडीए फर्स्ट और सेकंड मिला करके 12% देखने के लिए मिला। एनडीए फर्स्ट 2021 में थोड़ा वेटेज कम देखने के लिए मिला था, वो सिर्फ और सिर्फ 7% था। बट नेक्स्ट ईयर ही एनडीए सेकंड 2021 में आप देख सकते हो यूपीएससी ने 7% पूछा, तो अब यूपीएससी ने 18% वेटेज कर दिया, सीधा वेटेज बढ़ा दिया गया। यहां से हमें एक बात पता चलती है, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ माइंड गेम खेलता है। किस तरीके का, वो आपको कोई टॉपिक अगर इस साल नहीं दे रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन इस साल पुट अप नहीं कर रहा है, तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर उस टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा इस बार यूपीएससी ने हमें गांधीयन एरा, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, सपोज मैं एग्जांपल करता हूँ स्वदेशी मूवमेंट से, इस साल यूपीएससी ने हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी दो साल से हमसे स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चंस नहीं पुट अप कर रहा है, या हमसे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे हैं, पीजेंट्स अपराइजिंग हो रही है, उनसे हमसे यूपीएससी क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर रहा है हमसे।
तो हम क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को निगलेक्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं कि इस साल भी नहीं आएगा, बट ये हम लोग अपने साथ ब्लंडर कर देते हैं। यहीं पे ही हमें एक गेम खेलना है, वो क्या, उन टॉपिक्स को हमें थोड़ा और अच्छे से देखना है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि UPSC इस साल क्वेश्चन उन टॉपिक से पुटअप करेगा, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद NDA फर्स्ट 2022 में जो थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 18% थे। तो हिस्ट्री का अपना अलग ही वेटेज देखने के लिए मिलता है, और मैं आपसे बार बार इस वीडियो में मैं कई बार आपसे कहूंगा कि आप NCERT पे फोकस करिए, NCERT आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट साइड स्लाइड पे। अब देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज जो मैंने बनाई है, ये आपको पूरे YouTube ढूंढ लो, कहीं पे भी देख लेना, आपको ये चीज टॉपिक वाइज कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टॉपिक वाइज ये चीज आपको कहीं कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने खुद इसको बैठ करके देखा था। आपको क्या मिल जाएगा, NDA सेकंड में हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आए, एंशियंट से इतने क्वेश्चन आए, मेडिवल से इतने आए, मॉडर्न से इतने आए, बट कोई आपको टॉपिक वाइज ब्रेकअप करके नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है, पहला आप ये देखो चैप्टर वाइज, और एक चीज आप देखते जाना कि हर साल कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से हमें पता चलता है कि किन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस दे करके चलना है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा और फ्रेम में ले आता हूं, डन, ओके, बेस्ट। सबसे पहली चीज वो क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से 2018 का जो NDA सेकेंड था उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं ना गाइज, वो हमें कम देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस जो पुटअप करेगा UPSC आपसे, वो एकदम बेसिक लेवल के, रशियन रेवोल्यूशन से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था इंग्लैंड में उससे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, ठीक है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। फिर उसके बाद वॉर एंड ट्रीटीज जो हुई थी, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा में, उससे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी, एंग्लो बर्मिस वॉर लड़ी, ठीक है, कार्नाटिक वॉर देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद कुछ ट्रीटीज हुई थी इन वॉर्स के बाद, उनसे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, डन। नेक्स्ट थिंग हम लोग चलते हैं 1857 का रिवॉल्ट। देखो ये जो है, ये इस पार्ट को हम कभी भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस पार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, इसका बिल्डअप कैसे हुआ था। इसके बिल्डअप से पहले हमको जानना होगा पीजेंट रिवॉल्ट। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम पीजेंट रिवॉल्ट हो गया, ट्राइबल अपराइजिंग हो गई, इनको हम लोग मिस कर देते हैं। बेसिकली ये भी कुछ हिस्टोरियंस का कहना रहता है कि जो पीजेंट रिवॉल्ट है, ट्राइबल अपराइजिंग है, ये भी पार्ट थे 1857 के रिवॉल्ट थे। जो सिपॉय म्यूटनी हुई थी उसको बिल्डअप करने के पीछे इनका रीजन था, ठीक है। उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट में हमें और क्या जानना है कि इस रिवॉल्ट की जो लीडरशिप प्रोवाइड करी गई थी, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल ने करी थी, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि लखनऊ में लीडरशिप किसने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। उसके बाद आपसे एक चीज और पूछेगा कि बेगम हजरत महल ने अगर लखनऊ में जो लीडरशिप प्रोवाइड करी थी उसका रीजन क्या था। रीजन हमें ये बताना है, हमें पता होना चाहिए, रीजन इसके पीछे ये था कि उनका जो सन था बिजरिस कादिर, उसको गद्दी पे बैठाने के लिए हुआ था। बेसिकली जब हम क्लास करेंगे तो हम लोग ये चीज देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे भाई साहब, है ना, लगातार क्वेश्चन आएंगे इससे। फिर उसके बाद थोड़ा मुगल पेंटिंग से आ जाएगा, साउथ इंडियन हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन भक्ति सेंट एंड फिलोसफी मूवमेंट से आ जाएगा, भक्ति मूवमेंट से आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, के क्वेश्चन हमारे पास इसमें जो आया था वो स्टैंप एक्ट से क्वेश्चन निकल के आया था 2018 का। एक्ट्स हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ये एक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
बेसिकली आज मैं आपको सिर्फ एक ट्रेंड का एनालिसिस बताने आया हूँ, क्लास हम लोग नहीं कर रहे। मैं आपको बस एक रफ सा एक डायग्राम बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेवलर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रेवलर्स में चाइनीज ट्रेवलर भाई फाहिन आया और किसके समय में कौन आया था, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच कंपनीज, ये जो यूरोपियंस थे इनका जो इंडिया में जब ये आए थे, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि फ्रेंच जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या पहला सेटलमेंट कहाँ रखा, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या पहला सेटलमेंट कहाँ पे बनाया। बेसिकली एकदम बेसिक वाली चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं हिस्ट्री में, और ये बेसिक्स आपके कहां से कवर होंगे, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तब कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बुक्स एंड ऑथर, तो मतलब ये चीज जो हमारा है बुक्स एंड ऑथर वाला, गाइस ये हम इसको रिलेट करेंगे कहां से, करेंट अफेयर्स, इस चीज को हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स से, ठीक है। करेंट अफेयर से कैसे, कि कोई भी ऐसी बुक है जो न्यूज में चल रही है, ठीक है ना, और उसके 100 साल 50 साल कंप्लीट हुए हैं, तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई पर्सनैलिटी है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आ गई है, डेथ एनिवर्सरी आई है ना, 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो वो चीज हमें न्यूज में देखने के लिए मिल जाती है। तो वहां पे उन पर्सनैलिटीज से रिलेटेड अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है, कोई जर्नल पब्लिश किया था, कुछ भी हुआ था, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हमें देखना होगा करंट अफेयर से रिलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला चीज जो था हिस्ट्री का आया था, दैट इज फ्रॉम पॉलिटी एंड हिस्ट्री, यहां पे आया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से क्वेश्चन आया था। ये ब्लेंड था, ब्लेंड किसका था, पॉलिटी का था और हिस्ट्री का ब्लेंड देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है ना। ये एक ब्लेंड था हिस्ट्री और पॉलिटी का। तो इतनी जो बात हो गई वो तो हमारी हो गई एनडीए सेकेंड 2018 के बारे में, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, बाकी आपको पीडीएफ जो है इसकी पूरी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं एनडीए फर्स्ट 2019 का ट्रेंड, भाई इसमें क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्या था। वही चीज मैंने बताया, बुक्स एंड ऑथर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, कुछ रहा होगा 2019 में ऐसा जिनकी बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी, कुछ जो 100 साल पूरे हुए हों, 50 इयर्स पूरे हों, 75 इयर्स कंप्लीट किए हों, तो वो यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो इसको मैंने आपसे बताया था किस में हम लोग कवर करते हैं, करेंट अफेयर में भी कवर करते हैं, बेसिकली हिस्ट्री का भी पार्ट है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। बस आपका काम इतना रहेगा कि जो भी मैंने आपको बताया है आप उस चीज़ को करेंट अफेयर में जब भी एग्ज़ाम देने जाना देख लेना कि वो चीज़ ट्रेंड में चल रही है कि नहीं चल रही है, बेसिकली वो न्यूज़ में है अभी कि नहीं है, आपका काम बस इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद बट ऑब्वियसली बहुत प्यारा क्वेश्चन हो जाता है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चंस का लेवल, आप बोलोगे कि सर लेवल बहुत हार्ड था, लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, अगर आपने एनसीईआरटी मन लगा करके पढ़ी है तो लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। बस क्या हार्ड होता है, आपने पढ़ा है तो वो चीज इजी है, नहीं पढ़ा है तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना। दैट्स इट। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया आपसे यहाँ पे पूछ लेता है फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे, है ना, लास्ट वॉइसरॉय कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछता है, या फिर आपसे पूछ लेगा जब सती प्रथा को खत्म किया जा रहा था उस समय कौन देखने के लिए मिल रहे थे, है मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया हम किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे इस तरह के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है यूपीएससी। उसके बाद गांधी एंड एरा, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे तो जितने भी स्टार लगा दूं उतने कम हैं,
गांधिया नेहरा पे, ठीक है ना। गांधिया नेहरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब इस चीज को तो हम मिस कर ही नहीं सकते। आप सबको पता है गांधी जी इंडिया में कब आए, हमें पता होना चाहिए। उससे पहले गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, गांधी जी को मेडल्स कौन कौन से मिले थे, ये सारी चीज़ें हमें पूरा गांधिया नेहरा के बारे में पता होना, हमें पूरा गांधिया नेहरा पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। मैं अभी लास्ट में आपको एक रफ टाइमलाइन भी दिखाऊंगा हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अभी लास्ट में मैं आपको सब बताऊंगा, पहले हम ये देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पेंटर्स एंड पेंटिंग इन यूरोप। यूरोपियंस जो आए थे इंडिया में ना, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई थी, उन पेंटिंग्स को किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है बेसिकली। ये भी हम किस में रिलेट कर देते हैं, इसको हम लोग करेंट अफेयर में रिलेट कर देते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे गांधिया नेहरा का पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एम्पायर, इसमें जो क्वेश्चन आया था अकबर एडमिनिस्ट्रेशन से इस बार देखने के लिए मिला था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ठीक है, अबू फजल कौन थे, आईने अकबरी किसने लिखी थी, ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती है जो यूपीएससी हमसे पूछना चाहता है और हमें हमसे उम्मीद करता है कि हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज देखने के लिए मिलेगी, जो क्वेश्चन आया था इस बार ऑल इंडिया किसान सभा का देखने के लिए मिला था। फिर उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, इसका गठन कब हुआ था, 1885 में देखने के लिए मिला था, INC बनी थी, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जो UPSC हमसे पूछता है, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन देख लो, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं भाई UPSC के, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स रहते हैं जिनसे UPSC क्वेश्चंस पुट अप करता है, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, या तो फिर यूरोपियंस जो आए थे इंडिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, तो वो तो इंडिया का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें देखने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन पॉलिसी, ये भी हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कभी कभी मिस कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, ठीक है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो इंडिया को कैसे बेसिक से उठा करके ऊपर लेकर के गए थे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है होम रूल लीग मूवमेंट का क्वेश्चन। अब होम रूल लीग मूवमेंट से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएंगे, आया था क्वेश्चन देख लो, ये सारे क्वेश्चंस आए थे जितना मैं बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब होम रूल लीग मूवमेंट के क्वेश्चंस कैसे थे कि होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, पुणे में किसने स्टार्ट किया था, बॉम्बे में किसने स्टार्ट किया था, लीडरशिप किसने प्रोवाइड करी थी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थोड़ी सी। और होम रूल लीग मूवमेंट फॉरेन में किसने स्टार्ट किया था, ये बातें होती हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्वेश्चंस हाईली एक्सपेक्टेड रहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो हमारे पास नरम दल और गरम दल, कभी कभी हम लोग कह देते हैं मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, उनसे क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इनको भी हम मिस नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली मैं आपको ये ब्रेकअप बता रहा हूँ, पूरे टॉपिक्स का ब्रेकअप बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किस तरीके से आते हैं और हमें किस चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। इन्हीं बेसिस पे फिर हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। अगेन गाइस, फिर से आप देख सकते हो गांधिया नेहरा 2019 सीरियस सेकेंड, गांधिया नेहरा, फिर से जितने स्टार लगाने हो लगा लो, मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत हर बार क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कभी UPSC कान या तो डायरेक्ट पकड़ता है, नहीं तो घुमा करके पकड़ता है, लेकिन पकड़ता ज़रूर है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इसको भी हम लोग मिस नहीं कर सकते, इससे भी क्वेश्चन आए, अगेन
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी का फिर से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी इस बार फिर से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला। हम लोग क्या करते हैं, हम चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। और लिटरली सेइंग गाइस, ये जो क्वेश्चन आए थे ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक लेवल आया था इन क्वेश्चंस का, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लोग कहेंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन थे या मॉडरेट क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टफ तब होगा जब आप पढ़े नहीं होंगे, मॉडरेट कब होगा जब आपने बस सुना सुना सा होगा, और ईजी कब होगा जब आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे। एक चीज़ याद रखना, चीज़ें अच्छे से पढ़ना तभी क्लियर होंगी। फिर उसके बाद अगेन फिर से देख लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, रेवोल्यूशनरी एंड टेररिज्म से देखने के लिए मिला। बेसिकली ये शब्द तो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बुक्स में ये सारी चीज़ें दे देते हैं, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यूपीएससी भी अपने सिलेबस में कभी कभार ऐसी कुछ चीज़ें दे देता है, और बुक्स में भी कई रिस्पेक्टेड बुक्स हैं उसमें भी ऐसे ही टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इस वजह से हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली ये टर्म हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पे हम लोग आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकमान्य तिलक पे आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आ गए। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, केसरी और मराठा किसके न्यूज़पेपर थे, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो केसरी है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, मराठा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, अखाड़ा और लाठी क्लब जो थे इनका स्टार्ट किसने किया था। ये सारी जो चीज़ें हैं हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक क्वेश्चन दे दिया गया था, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ गया, 1857 की क्रांति बिल्डअप, 1857 का रिवोल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1857 के रिवोल्ट का हमें बिल्डअप पता होने चाहिए। ये जो रिवोल्ट था, ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, इसके पीछे के कारण क्या क्या थे हमें पता होना चाहिए। इस रिवोल्ट में लीडरशिप किसने प्रोवाइड करी थी और उनके साथ क्या हुआ था, और जहाँ पे ये रिवोल्ट हो रहा था उस रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया था, ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। देन अगेन इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, अगेन मिस नहीं किया जा सकता, अगर मिस किया तो हमने ब्लंडर कर लिया अपने साथ। गाइज एक एक क्वेश्चन की फाइट होती है, एक एक क्वेश्चन से आपकी मेरिट डिसाइड हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप इन हो सकते हो, एक क्वेश्चन से आप आउट हो सकते हो। हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन भी ज़रूरी होता है, इसको मिस नहीं किया जा सकता है। अगेन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है, सपोज आपको कुछ मूवमेंट दे देगा, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट दे दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट दे दिया, स्वदेशी मूवमेंट दे दिया, और इंडिया इंडिपेंडेंस और भी कोई मूवमेंट ले लो, जैसे ऑल ऑफ द अबव करके दे दिया, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, NCM, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, फिर उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें से किसने गांधी जी ने किसमें अपनी लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करी थी, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आप किस पे क्लिक टिक करोगे, योर राइट आंसर वुड बी द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या रीज़न था 1905 के पीछे का रीज़न क्या था, बंगाल पार्टीशन। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके लिए हुआ था, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या स्टैंड था इस पे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट पे। फिर उसके बाद कभी कभार यूपीएससी क्या करता है, आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से, विजयनगर एम्पायर जो साउथ इंडियन की हिस्ट्री होती है उससे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स, अगेन जैसे मैंने कहा ही था आपसे, फॉरेन ट्रेवलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसके टाइम में कौन सा फॉरेन ट्रेवलर आया था
उस ट्रैवलर का नाम क्या था, अगर उस ट्रैवलर ने कोई बुक लिखी है तो उस पर्टिकुलर बुक के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद वैदिक पीरियड से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वैदिक पीरियड का क्वेश्चन हमें अभी देखने के लिए मिला है एक, तो वैदिक पीरियड भी हमारे लिए थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप ये चीज़ देख रहे होगे, गांधीयन एरा हो गया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी हो गया, इंटरनेशनल कांग्रेस हो गया, 1857 का रिवॉल्ट हो गया, और उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और ये टॉपिक्स हमें हमारे फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा ज़रूर होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, दैट इज NDA फर्स्ट एंड NDA 2020। अब यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जब मैं NDA फर्स्ट और NDA 2 का पेपर सर्च कर रहा था UPSC की साइट पे, तो ऑफिशियली जो UPSC की साइट देखने के लिए मिलती है उस पे ये चीज़ एज इट इज़ दिया हुआ था। पेपर ये बेसिकली मैंने पेपर से ही निकाले हैं सारी चीज़ें, तो ये जो UPSC की साइट थी उसी पे ही दिया हुआ था एज इट इज़, तो इसीलिए मैंने ले आया, क्योंकि मुझे पेपर अलग अलग नहीं मिला था, एज इट इज़ था, तो मैं इसीलिए ले आया। तो अगेन आप लोग देखोगे फिर से हमारा सबसे प्यारा टॉपिक दैट इज़ द गांधीयन एरा। जितने स्टार लगाने हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था भाई जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, कम पड़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आने ही आने। अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी उसमें हमने गांधीयन एरा तो आ ही रहा था, गांधीयन एरा तो हमने देखा ही देखा, तो गांधीयन एरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमने देखा, सर वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए, आपने बताया, मैंने बताया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आया था सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभार मूड पे डिपेंड करता है, पूछ लिया। लैंड रेवोल्यूशन, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ये सारे जो सेटलमेंट्स हो जाते हैं ये हमारे लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लैंड सेटलमेंट्स से हमें पता होने चाहिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स भी हमें पता चलना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे लिंक करूँगा, वो क्या है, वो यहाँ पे ये है, मैंने आपसे बताया था 1857 के रिवोल्ट का कारण आपको पता होना चाहिए, कि इससे पहले जो ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी, जो पीजेंट अपराइजिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी भी जानता है कि बच्चों को पता होना चाहिए। ट्राइबल अपराइजिंग का भी क्वेश्चन इस साल देखने के लिए मिला था और 1857 के रिवोल्ट से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो अगर जब हम लोग 1857 पढ़ के चलेंगे तो हम ये सारी चीज़ें कवर करके चल जाएंगे। और ये मत सोचना कि सर एक ही एक क्वेश्चन तो है, बेटे ये पूरा ब्रेकअप करके दिया है मैंने आपको, ठीक है ना, ये ब्रेकअप आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का, ब्लेंड देखने के लिए मिला था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जब बना, संविधान सभा जब बनी थी तो वो कैसे बनी थी, बेसिकली जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे, जब हम लोग पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान बना, जो संविधान सभा में जो लोग थे वो प्रोविंशियल प्रोविंस से किस तरीके से चुन करके भेजे गए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कि हमारे संविधान के जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कहाँ कहाँ से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की ओर, दैट इज NDA फर्स्ट 2021। अभी तक हमने देखा कि सर हर जगह से क्वेश्चन आए, एक दो चीज़ें रह गई, क्या सर, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हमने क्या सोच लिया, हमने सोचा कि भैया जैनिज्म और बुद्धिज्म से अब UPSC क्वेश्चन पूछना कर दिया है बंद, NDA में अब क्वेश्चन नहीं आ रहे, UPSC ने कर दिया खेला, क्या खेला कर दिया, पूछ लिया जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से दो क्वेश्चन लगातार, अब गए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है।
एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने देखा सर नहीं आ रहे थे, एंशियंट भी हमने निगलेक्ट कर दी, क्या हुआ 3 क्वेश्चन हमारे चले गए, ठीक है, और हमारा आ गया स्कोर डाउन। फिर उसके बाद बुक्स एंड ऑथर जो न्यूज़ में रहते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है हमें पता होना ही चाहिए। उसके बाद मेडिवल इंडियन, मेडिवल जो इंडिया था उससे क्वेश्चन आया था, मेडिवल से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, अगेन 2 क्वेश्चन आ गए थे भाई बुक्स एंड ऑथर से, 2 क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन एज सच यहाँ पे डालना शायद भूल गए, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन यहाँ पे शायद नहीं रहा होगा इसलिए लिखा नहीं मैंने। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी से एक क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी क्या है ये, इंडियन नेशनल आर्मी का, इंडियन नेशनल आर्मी से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, और वो भी क्वेश्चन ये कि इसके लीडर कौन थे, कब बनाई गई थी, क्या प्रोसेस था, ठीक है। अब आ जाते हैं NDA 2 2021 पे, ये क्या था हमारा, ये था NDA फर्स्ट 2021, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद NDA 2 2021 में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, क्वेश्चंस सर यहाँ से आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट्स मैंने बताया था, एक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चार्टर एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया 1773 का हो गया, 81 का हो गया, 84 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो गया, ये एक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई चांस और नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हम इसको भी देख रहे हैं सर, ये भी हमें मिल ही रहा है, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल आ रहा है, फिर गैप कर रहा है, फिर से आ रहा है, ये ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए। मैंने फिर से बताया ट्राइबल एंड पीजेंट्स अपराइजिंग जो हुई थी उससे क्वेश्चन, और इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से, इंडियन काउंसिल एक्ट से क्वेश्चन आया, एक्ट से एक क्वेश्चन और आ गया, तो एक्ट से कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, गांधीयन एरा देखने के लिए मिला, फिर से हम किसको मिस नहीं कर सकते, वर्ल्ड हिस्ट्री को मिस नहीं कर सकते। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस से फिर से एक क्वेश्चन देखने के लिए, ब्रिटिश इंडिया कमीशन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, ये टॉपिक है, आप खुद देख रहे हो, आपके सामने एक एक चीज़ मैंने दिखा रखी है कि टॉपिक्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को हम कभी छोड़ नहीं सकते, इसे पढ़ना है, ठीक है ना। और ये टॉपिक्स लिटरली, ये टॉपिक्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, आप एक बार मन तो लगा करके देखो, इन टॉपिक्स को एक बार जी करके तो देखो, खुद मज़ा आएगा, ये टॉपिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है ना। और कुछ इतना टफ भी नहीं है, आप एक बार अपना एनसीईआरटी पढ़ो, बेस क्लियर करो, फिर देखो मज़ा, क्वेश्चंस तो ऐसे सॉल्व होंगे चुटकियों में, लड्डू क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी आपसे, एनडीए में एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना। उसके बाद अभी तक हमने देखा कि सर ठीक है, क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा ठीक आ रहा था, टॉपिक्स हमने देखे, कुछ टॉपिक्स जो थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब NDA 1 2022 में देखो आप क्या था भाई, मॉडर्न से आया क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियड, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से आया क्वेश्चन, कहाँ था, मॉडर्न पीरियड से आया था। फिर एंशियंट से एक और क्वेश्चन आया, चरक संहिता का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। फिर एक क्वेश्चन दिया बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का दे दिया, जो स्तूपास बनाए जाते हैं, रिलिक्स जो बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड, बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, ठीक है, किसने कंडक्ट करवाई थी, कौन पैटर्नाइजर था, कौन उसका चेयरपर्सन था, कौन डेप्यूटी चेयरपर्सन था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन गाइज फॉरेन ट्रेवलर्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉरेन ट्रेवलर्स से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। फिर आया क्वेश्चन ब्रिटिश पॉलिसीज का क्वेश्चन देखने के लिए मिला, वर्ल्ड हिस्ट्री फिर से इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, सोशल रिफॉर्म से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, सोशल रिफॉर्म इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस,
सोशल रिफॉर्म से आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सोशल रिफॉर्म से, और ये 3 क्वेश्चन मैं तो एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये आप बोल रहे होगे कि सर ये टॉपिक्स हैं इनको हम पढ़ेंगे बहुत हो गया, कुछ नहीं, इनकी बस हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स में क्या है, एकदम बेस हमें इसका पता होना चाहिए, हमें इसके डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो यूपीएससी आपसे मांगता है, ठीक है ना। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ गया था एंशिएंट से, फिर अगेन मैंने बताया ही आपको नेशनल मूवमेंट्स, मॉडर्न का क्वेश्चन, डांस से क्वेश्चन आ गया था, बेसिकली ये आया था क्वेश्चन ये वाला था कथक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ये डांस रिफॉर्म का कुछ एक क्वेश्चन था जो आया था, तो ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें थी जो अभी तक हमने डिस्कस करी थी। अब मैंने आपको बताया था कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने अभी अभी देखा भी NDA 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैंने बताया। तो अब गाइस मैं आपको एक पूरी समरी बता देता हूँ, एक समरी हम लोग देख लेते हैं कि फाइनली, पहले तो इस पर मैं आ जाता हूँ, इस पर मैं आपको थोड़ा सा एक डेट्स का एक ग्लिम्प्स दे देता हूँ कि डेट्स हमारे लिए हमें पढ़नी कैसे है। जो आप लोग बोलते हो ना सर कि डेट्स नहीं याद होती, डेट्स याद करनी ही नहीं है यार हमको, हमारे लिए बस कुछ लैंडमार्क डेट्स होती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग देखते हैं 1885 पे हम लोग आते हैं, जब हम लोग 1885 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1885 से 1905, 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद 1896 में इटली वर्सेस इथोपियन वॉर देखने के लिए मिला, फेमाइन, बोयर वॉर। बोयर वॉर की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखनी है, इसमें गांधी जी ने एक एम्बुलेंस, एक फोर्स बनाई थी जिसका नाम है नटाल फोर्स, इसके चलते गांधी जी को केजरे हिंद का अवार्ड दिया गया था, इन्होंने साउथ अफ्रीका में ये लड़ाई हुई थी, तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। फिर उसके बाद रशियन वॉर देखने के लिए मिली, फिर 1905 में हमें क्या देखने के लिए मिला, स्वराज देखने के लिए मिला था, बनारस सेशन हुआ था जिसमें स्वदेशी के बारे में बात करी गई थी, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1906 की डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 1906 के बाद हमारे लिए 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला, मुस्लिम लीग बन गई थी। फिर 1906 के बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले, जिसमें हमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देखने के लिए मिला था। देन उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट, फिर 1909 वही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो मैंने बनाए, फिर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था यहाँ 1905 का, उसको फिर नल एंड वॉइड किया गया था, और यहाँ पे क्या हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी कैपिटल, हार्डिंग ने किया था। फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कहानी हम लोग इसको सुनेंगे, मज़ा बहुत आने वाला है डेट्स, या डेट्स आपको याद नहीं। फिर 1915 आ जाएगा, इसमें हमें गदर कॉन्स्पिरेसी देखने के लिए मिलेगी, गांधी जी आए थे इंडिया में यहाँ पे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर ये बात बताना कि गांधी जी किस दिन इंडिया आए थे और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमेंट डाउन। उसके बाद 1916 में हमें होम रूल लीग मूवमेंट देखने के लिए मिला, फिर 1917 पे हम लोग आ जाते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलता है, 1918 का हमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने के लिए मिली, खेड़ा सत्याग्रह देखने के लिए मिला, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिला, थर्ड अफगान वॉर हुआ था। फिर 1919 में आ जाते हैं, खिलाफत मूवमेंट देखने के लिए मिला था, रॉलेट एक्ट आया था जिसकी वजह से फिर जलियावाला बाग मैसेकर देखने के लिए मिला था, ये यहाँ पे जलियावाला बाग भी है। फिर मॉन्टेस्क्यू चेम्सवर्ड रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले। देन हम लोग आ जाते हैं 1921 पे, प्रिंस वेल्स का विजिट देखने के लिए मिला था। सारी चीज़ें हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैं आपको बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कहानी के तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ठीक है। इसी तरीके से लाहौर सेशन देखने के लिए मिला था, पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, ये कब हुआ था लाहौर सेशन, 26 जनवरी 1929 में देखने के लिए मिला था, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को अपना क्या
सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 1930 में डांडी मार्च देखने के लिए मिला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिली, गांधी अरविंद पैक्ट देखने के लिए मिला था, कांग्रेस सेशन हुआ था कराची 1931 का हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नाउ गाइस, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1932 पे हम लोग आ जाते हैं। जब 1932 पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है, कम्युनल अवार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, पूना पैक्ट हुआ था 34 में, फिर CDM देखने के लिए मिला यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था 35 में। ये कुछ लैंडमार्क डेट्स हैं। अब इनमें भी हमको हर चीज़ें याद नहीं करनी है, कुछ लैंडमार्क डेट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बेसिकली मैं आपको बस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जैसे आ जाते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का इंडिविजुअल सत्याग्रह देखने के लिए मिला था, इंडिविजुअल सत्याग्रह आचार्य विनोदा भावे के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाई क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, क्रिप्स सिराज गोपालाचारी फॉर्मूला देखने के लिए मिला था, है ना, शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान जिसको हम लोग कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे आ गया था, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, ये सारी चीज़ें हमको इस तरीके से पढ़नी है, कुछ लैंडमार्क डेट्स है जो हमें बस रिमेंबर करनी है। और ट्रस्ट मी, अगर मन से पढ़ोगे, ठीक है, एक बार तो अपने आप सब याद हो जाएगा, ये कुछ डेट्स है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका एक मैंने फाइनल यहाँ पे ये बना दिया है, आप इसको देख सकते हो। 2018 CDS सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए थे अभी तक, ऊपर जो भी हमने देखा उसकी एक समरी यहाँ पे देखने के लिए मिली। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था NDA सेकेंड 2018 में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, और फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। इसी तरह गांधीयन एरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपसे बताया ही था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें पेंटिंग्स, पेंटर्स एंड पेंटिंग्स हो जाती है, क्विट इंडिया मूवमेंट से एक क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला था। ये बेसिकली हम ब्रेकअप पूरा ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग ये सारी बातें थी, तो आप इनको एक बार देख सकते हो, ये सारी बातें जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करी थी वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये पूरी की पूरी PDF एज इट इज आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो इस पूरे PDF को अगर आपको चाहिए, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे पूरा ब्रेकअप हमने करके आपको दे दिया है, जो भी हमने अभी तक देखा था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है, कौन से ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो ही गया होगा, वो ये हो गया होगा कि सर हमको हर चीज़ पे फोकस नहीं करना है, UPSC हमसे हर चीज़ नहीं पूछती है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ पूछती है, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है हमें क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम सब चीज़ नहीं रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जो है CDS 2 2022 के लिए स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे रेगुलर बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and make sure to subscribe the YouTube channel of Trishul Defense Academy and press the bell icon. Thanks a lot. We'll see you in next lecture. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।